अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सीएबी पर शिवसेना की भूमिका पर सवाल, कांग्रेस तटस्थ, नवी मुंबई बीजेपी ने कसा तंज। मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना ने जहां लोकसभा में समर्थन दिया, वहीं राज्यसभा में तटस्थ भूमिका में रही। इस पर नवी मुंबई में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक एम के मड़वी और नवी मुंबई कांग्रेस के मुखिया अनिल कौशिक ने जहां इसे सामान्य बताया, वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता सुख के लिए शिवसेना कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है और इसीलिए उसने राज्यसभा से वॉकआउट किया। आइए सुनाते हैं नवी मुंबई के सियासतदानों की सीएबी पर क्या राय है। लोकसभा में समर्थन करती है शिवसेना और राज्यसभा से वॉकआउट कर जाती है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारा है उसके आधार पर पार्टी बनी है, उसके आधार पर स्थापित हुई है। और लोकसभा में समर्थन राज्य वॉकआउट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो तो आप उनसे प्रश्न पूछिए। लेकिन इस राज्य के अंदर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना अच्छा जोर से लोकहित में काम करेगी। जब से सरकार बनी है आप देखिए, उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में, शरद पवार साहब के नेतृत्व में, बाला साहब थोड़े पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में कामों का धड़ाका लगाया है। एक एक प्रश्न बारीकी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शेतकरी का प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है, डॉलर प्रश्न है, मेट्रो के प्रश्न है। जो योल ने भ्रष्टाचार किया था ना, वो क्या क्या किया, जो बहुत बोलते ना भ्रष्टाचार मुक्त, अब मालूम पड़ेगा क्या 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 नहीं है, क्या नहीं है। और दूसरी बात रही बात इस बिल का, देखिए बिल मैं बताता हूँ आपको, बिल का हम निषेध क्यों कर रहे हैं। बिल कभी भी जो हमारा संविधान बना ना, संविधान के हिसाब से आना चाहिए। रही बात हिंदू की, 1947 के अंदर जो हिंदू देश में आए थे, शरणार्थी आए थे, कांग्रेस पार्टी ने सबको नागरिकता दी है, किसको हमने रखा नहीं है। पर जो सिस्टम से लेके आए हैं, जो दिमाग में रखे लेके, आज तक जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख या मुस्लिम भी इस देश में दूसरे देश से आए, जो लीगली आए उनको हमने शरण दी है। और इन लोगों ने क्या किया है, अभी इलेक्शन आया पश्चिम बंगाल के अंदर, इस देश को जाति आधार पर बांटने का कोशिश किया है। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा आग लगी उधर, तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं खिलाफ जा रहे लोग? क्योंकि इनका सिस्टम ही गलत है। और दूसरी बात, ये बात करते करोड़ों लाखों लोगों की, सिर्फ 4000 आदमी ने नागरिकता डिमांड की है, तो पूरा गलत है। इसको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम करता हूँ जी। लेकिन हमारा सवाल है कि शिवसेना जो है वो लोकसभा में समर्थन करती है, जिस पर कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध करती है और उसका रुख साफ करने के लिए कहती है। क्या इस वजह से कांग्रेस ने सेफ गेम खेला और राज्यसभा से वॉकआउट कर गई, ना पक्ष में वोट किया ना विपक्ष में? नहीं देखो, कांग्रेस जो शिवसेना स्टैंड है ना, वो तो उनके बारे में तो उनसे ही पूछ सकते हैं आप। लेकिन हम राज्य के अंदर शिवसेना के साथ में महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए साथ में। एक तरफ शिवसेना लोकसभा में सीएबी के लिए समर्थन देती है और राज्यसभा से वॉकआउट कर जाती है, कांग्रेस आपको अपना रुख साफ करने के लिए कहती है, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या कांग्रेस का शिवसेना पर दबाव था जो उसने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया? देखिए, कोई किसी के ऊपर दबाव डाल नहीं सकते हैं, पहली तो बात यह है। रहा वहाँ पर राज्यसभा में हमने किसी को समर्थन नहीं दिया हुआ है, हमारे शिवसेना पार्टी ने, हमारे शिवसेना पार्टी के हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने स्पष्ट से कह दिया था कि वहाँ पे स्पष्ट से वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा होते वक्त अगर ये आप बिल पास करते हैं तो हमने वहाँ पे हमारे पार्टी के तरफ से हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब जी ने, और वहाँ पे जो राज्यसभा में हमारे आदरणीय नेता संजय राउत जी साहब है, उन्होंने कहा था कि आप उसके अंदर, वो प्रस्ताव के अंदर, आप अगर इस तरह से बिल पास करते हैं अल्पसंख्यक के लिए, फिर वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, उनको वो बिल पास करना है उनके लिए, तो कम से कम मिनिमम उनको 25 साल उनको वोटिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका
उद्देश्य स्पष्ट है तो इस तरह से वो बिल के अंदर पास होना होकर आप मर्ज करिए, तो वहाँ पे उसके अंदर राज्यसभा में वो नहीं किया करके इस कारण के वजह से हमारे शिवसेना पार्टी के राज्यसभा के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया है। कोई पार्टी ने दबाव के वजह से या कोई गए, ये मुझे लगता है अपना पत्रकार भावियों का ये कहना है, लेकिन हमारा स्पष्टता हमारे पार्टी ने वहाँ पे हमारे नेता ने कह दिया कि ये आप लोग नहीं करते इसके लिए हम लोग वॉकआउट करते हैं। तो ना किसी को समर्थन दिया है ना किसी के, हमको हमारे पार्टी का जो रुख था कि इस तरह से होना चाहिए, देश के हित के लिए ये होना चाहिए, तो वो उसके अंदर अगर 25 साल तक वोटिंग करने का अगर अधिकार उनको नकार देते थे वो बिल के अंदर, तो हो सकता है हमारी पार्टी समर्थन भी दे सकती थी, लेकिन हमको नहीं किया करके हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया। तो दबाव के हिसाब से तो ये कांग्रेस पार्टी का दबाव या और किसी का दबाव, शिवसेना पार्टी है आदरणीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है, और ये किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है, जो भी करते हैं प्यार से करते हैं और खुलकर करती है। शिवसेना पार्टी जो है वो राज्य लोकसभा में समर्थन करती है और राज्यसभा से वॉकआउट कर जाती है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस चीज़ को? शिवसेना पूरी तरह दबी हुई है, फंसी हुई है, उन्होंने जो कारनामा किया उससे अभी आगे आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। ऐसा ही कल एक प्रॉब्लम हुआ, आने वाले और बिल बहुत आएंगे, उनकी बहुत नामुश्की होने वाली है। कल अमित जी शाह ने सभागृह में बोला कि सत्य के लिए रंग बदलना ये हिंदुओं का काम नहीं है, लेकिन उन्होंने रंग बदलने का जो प्रयास किया उसके वजह से अभी वो बुरी तरह फंसी हुई है। उन्होंने ये बिल के ऊपर सपोर्ट तो किया लोकसभा में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ रातों रात, उसको किसने दबाया अभी ये सब पब्लिक जानती है, और दबने के बाद फिर राज्यसभा में आए, फिर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे करके उन्होंने किसी मीडिया पे बोला। लेकिन जिस टाइम सभागृह चालू हुआ उस टाइम वो सभागृह में उस स्थिति में रह नहीं पाए, वो निकल गए, क्योंकि गए 30 साल से हम लोग साथ में हैं। जब उनका उगम हुआ 1964 में शायद, उस टाइम से वो हिंदू के लिए लड़ रहे हैं और पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और उसी टाइम जब हिंदुस्तान का अच्छा बिल आ रहा है उसी टाइम उनकी दुग्ध मनस्थिति हुई कि अभी करना क्या है। तो अभी फिर उन्होंने ये सोचा कि ना इधर ना उधर हम लोग बाहर निकलते हैं, और वो बाहर निकले, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को अपना रुख साफ करने के लिए कहा था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दबाव की वजह से राज्यसभा से शिवसेना ने वॉकआउट किया? ये तो सब जनता जानती है, पूरे नागरिक भारत के जानती है कि एक दबाव हो गया उनके ऊपर, और दबाव के हिसाब से ये लोग, उनको ऐसा बोलना पड़ा कि हम लोग हमारे जो जो प्रश्न के उत्तर हम तो नहीं मिलेंगे तब तक हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी वो खूब टेंशन में है, कांग्रेस और उनको दबा रही है कि आप बाहर क्यों चले गए, आपने वोट उनके विरोध में देना चाहिए था। अभी उनके पास उस सवाल का जवाब है नहीं, अभी पूरी दबी हुई है। आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता देखो क्या होता है, इनको इस महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़ी, ये 50 साल के उनके राजनीति के चक्कर में सबसे बुरे दिन अभी उनके चालू होने वाले हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी इनको पूरी खा जाएगी।